उसको याद कर इसको स्लीपिंग स्लीपिंग सोन बच्चों आ गए सर्दी आवाज आ रही है मैम चलो इंग्लिश लिटरेचर की बुक निकालो कहाँ तक हो गया था बताओ किसकी बुक इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर ये है इंग्लिश लिटरेचर बताइए सर्दी कहाँ तक हो गया था मैम पोएम वाली हाँ हाँ अंकल जेरेमी जू तक हो गया था ना जाकर नंबर ए निकालिए मैम उसके आगे क्या था नंबर एट कह रहे चैप्टर में वो एट है क्या गधे आई लव लिटिल पुसी ये वाला हो चुका था बताइए यस मैम आप लोगों को ये पोयम हो चुकी थी कैसे पढ़ते हो बच्चों कुछ याद रहता नहीं है आप लोगों को सब मैम को ही बताना है आप लोगों को कुछ भी याद रहेगा खुद से अंकल जेरेमी जू के बाद हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था जल्दी बताइए हर बार बोलते हैं पेज को मार्क करके रखा करिए फिर भी पेज मार्क नहीं है किसी को पता नहीं है कौन सा चैप्टर पढ़ना पढ़ना है ना ये वाला यस मैम चलो आ जाओ पेज नंबर 67 पर आई लव लिटिल पुसी जेन टेलर स्टार्ट करें यस मैम अभी स्टार्ट करें ओके चलो ठीक है आई लव लिटिल पुसी हर कोट इज सो वार्म एंड इफ आई डोंट हर्ट हर शी डू मी नो हार्म अब प्यारी सी क्यूट लिटिल पुसी है कैट है वो इसको बड़ी पसंद है यहाँ पे देखिए जो बॉय है इस पिक्चर में उसको बहुत पसंद है और वो क्या कह रहा है आई लव लिटिल पुसी मुझे बहुत अच्छी लगती है हर कोट बच्चे क्या कौन बोल रहा है पीछे से कौन बोल रहा है हर कोट इज सो वार्म वार्म मीन्स होता है गर्म है ना वार्म मतलब होता है गर्म तो उसका कोट कोट मतलब क्या जो उसकी बॉडी है जो अब लिटिल जो किटन्स होती हैं कैट्स होती हैं उनका फर होता है ना उनके जो फर में जो स्किन में जो हेयर होते हैं उसकी बात हो रही है Her coat is so warm and if I don't hurt her, अगर देखिए बच्चों ये बात हमेशा याद रखिएगा किसी भी एनिमल को अगर आप हर्ट करेंगे तभी वो आपको पलटकर हार्म करेगा नहीं तो कोई भी एनिमल जो है वो किसी को भी हार्म नहीं करता है जब तक आप उसको परेशान ना करें है ना तो कभी भी एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए है ना Yes, ma'am. No, ma'am. फिर so I'll not pull her tail. तो मैं उसकी टेल को कभी पुल नहीं करूंगा Not drive her away, but pussy and I very gently will play. आपने देखा होगा कुछ राती बच्चे होते हैं जो एनिमल्स की टेल को पुल करते हैं उनको परेशान करते हैं टीज करते हैं ये बहुत बुरी बात है बच्चों यहाँ पर ये क्या कह रहा है ये बॉय
कि मैं कभी भी आई नॉट पुल हर टेल नॉट ड्राइव हर अवे बट पुसी एंड आई विल जेंटली जेंटली मतलब बहुत प्यार से बहुत आराम से हम दोनों मिलकर खेलेंगे. समझ गए फर्स्टी राजेश सर? यस मैम. समझ आ गया सर? यस मैम. चलो ठीक. नेक्स्ट आइए चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 70 की आराज गिफ्ट. आ जाओ सबको आवाज आ रही है क्लियर? प्रदीप प्रभात आदित्य सबको आवाज आ रही है? यस मैम. Yes, ठीक है. पेज नंबर 70 पर आ जाइए कियारा गिफ्ट. स्टार्ट करें. Yes, ma'am. Yes. कियारा is very happy today. Happy मतलब बहुत खुश है. कियारा जो है आज बड़ी खुश है. टुडे मतलब होता है आज है ना. टुडे मतलब आज. चैप्टर नंबर 9 यही वाला है. देखो हैप्पी मतलब खुश. बच्चे समझ नहीं आए कि बच्चों आप लोग उसको पूछेंगे तो शी इज गोइंग शॉपिंग. वो कहाँ जा रही है? शॉपिंग पे जा रही है. विद हर मदर. किसके साथ जा रही है बच्चों? कियारा शॉपिंग पर जा रही है. किसके साथ जा रही है? आदित्य बताइए कियारा किसके शॉपिंग पर जा रही है? मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही. अभी आ रही है? यस मैम. क्लियर है ना? यस मैम. चलो ठीक है. सो शी इज गोइंग शॉपिंग विद हर मदर. कियारा अपनी मदर के साथ शॉपिंग पर जा रही है. किसको किसको शॉपिंग पर जाना अच्छा लगता है बच्चों? मैम मुझे शॉपिंग करना किसको पसंद? राधिका को पसंद है. आदित्य को पसंद है. अच्छा प्रभात को भी पसंद है. तो अविका आप किसके साथ शॉपिंग पर जाती हो? मैम पर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है. आप कब आई हो? ज्वाइन आपने कब किया है? स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट अभी ज्वाइन किया है ना? इतना लेट कैसे हुआ अविका? व्हाई आर यू सो लेट? आवाज भी नहीं आ रही है अविका. आपकी तरफ नेटवर्क का बहुत इश्यू है. अविका अविका आपको आवाज आ रही है? चैप्टर नंबर 9 है कियारास गिफ्ट. पेज नंबर 70. ये देखो ये वाला चैप्टर है. ये वाली बुक है. दिख रहा अविका डिस्कनेक्ट हो गई है. लगता है अविका की तरफ बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है. चलो कोई बात नहीं फिर से आ जाएगी. चलो तो कियारा को शॉपिंग करना. हाँ कियारा शॉपिंग करने जा रही है अपनी मदर के साथ. कियारा लाइक्स प्लेइंग विद टेडी बियर्स. कियारा को टेडी बियर्स के साथ खेलना भी बड़ा अच्छा लगता है.
शी एंड हर मदर गो टू अ टॉय शॉप. इसीलिए कियारा और उसकी मम्मी जो है वो लोग कहाँ पर गई है बच्चों? टॉय शॉप पर गई है. टॉय शॉप पर क्या है बच्चों? सब्जियां मिलती है. बताइए टॉय शॉप पर क्या मिलते हैं? हाँ, टॉय शॉप पर टॉय मिलते हैं. कैसे कैसे टॉयज पसंद है आपको फजी? टेडी बियर पसंद है? मैं मुझे रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन पसंद है. वाओ, रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन. अच्छा, मैं मुझे रिमोट कंट्रोल कार कार पसंद है. आदित्य, आपको क्या पसंद है बेटा? तो रिमोट कंट्रोल रोबोट बन जाए. कार, अच्छा ये सब पसंद है. आप लोग शॉपिंग करने जाओगे तो यही सब चॉइस खरीदोगे है ना? यस मैम. यस मैम. गुड, वेरी गुड. तो अब कियारा जो है उसको टेडी बियर पसंद है, तो वो क्या खरीदेगी? बताइए, कियारा को टेडी बियर पसंद है तो वो क्या खरीदेगी? टेडी बियर. कियारा पिक्चर पिंक. जी जी बोलिए. टेडी बियर. हाँ करेक्ट. कियारा पिक्स अ ब्यूटीफुल पिंक टेडी बियर विद ब्लैक आईज एंड अ रेड नोज. तो कियारा एक सुंदर सा पिंक कलर का टेडी बियर खरीदती है जिसकी ब्लैक आईज है और रेड रेड नोज है. अब कियारा क्या बोलती है अपनी मामा से? थैंक यू मामा, आई लव दिस टेडी बियर, मे आई बाय इट फॉर माय कजिन. तो अब कियारा अपनी मामा को थैंक यू बोलती है और कहती है क्या मैं अपने कजिन के लिए गिफ्ट ले लूं? तो मामा क्या कह रही है? दैट्स अ गुड आइडिया. आइडिया मतलब कुछ उसको आइडिया आया, उनकी मामा को बड़ा पसंद आया. तो कियारा लेट्स डू दैट. उसकी मामा कह रही कियारा की हाँ हाँ ठीक है, चलो उस कलर के लिए हम लोग खरीदते हैं. कियारा स्टार्ट्स चूजिंग गिफ्ट विद मामा. अब कियारा अपनी कजन के लिए गिफ्ट ले रही है मामा की हेल्प से. She buys a yellow hair clip for Shweta. उसने श्वेता के लिए क्या खरीदा? Yellow hair clip. Then she buys a big ball for Amira. Amira के लिए बड़ी सी बॉल खरीदी. Next, she buys a toy car for Sanju and a red pen for Ramse. फिर उसने टॉय कार किसके लिए खरीदी? संजू के लिए. और रेड पेन किसके लिए खरीदी बच्चों? रेड पेन किसके लिए खरीदी जा रहा है? रामसे के लिए ना. चलो लेट्स टेक चॉकलेट्स फॉर एवरीवन. अब कियारा की मामा कहती है कि चलो सबके लिए हमने गिफ्ट तो ले लिए, अब सबके लिए चॉकलेट भी ले लेते हैं. एट होम कियारा कजिन्स विद द गिफ्ट. अब घर पे कियारा के जो कजिन्स हैं वो बड़े खुश हैं अपने अपने गिफ्ट देखकर. आप लोगों को भी जब कोई गिफ्ट देता है तो आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता होगा ना, बहुत खुशी होती होगी. वैसे ही कियारा के जो कजिन्स हैं, ये जो कियारा की मामा से घर गए, बड़े खुश हो गए वो लोग. फिर दे आर ईटिंग चॉकलेट्स एंड वॉचिंग अ टीवी शो. वो लोग क्या कर रहे हैं? चॉकलेट खा रहे हैं और टीवी शो देख रहे हैं. There is a teddy bear song on it. और टीवी पर कौन सा सॉन्ग आ रहा है? Teddy bear song आ रहा है. Kiara and her pink teddy bear sing along. और Kiara और उनका जो pink teddy bear है वो दोनों मिलकर गाना गा रहे हैं. Then papa teddy goes to market. This mama teddy stays at home.
This baby teddy eats bread and butter. This baby teddy eats an ice cream cone. ये song है. कौन सा song है बच्चों? Repeat after me. This papa teddy goes to market. बोलिए. This papa teddy goes to market. This papa market teddy goes to market. Market this mama teddy stays at home. This baby teddy eats bread and butter. This baby teddy eats यही वाला सॉन्ग टीवी पर बज रहा था. टेडी और कौन सा गा रहा है? कियारा सिंगर गा रहे हैं. द शो एंड ग्रैंडफादर जॉइन देम. अब शो खत्म हो गया है. ग्रैंडफादर ने इनको ज्वाइन किया. देम यानी इन सबको ज्वाइन किया. ज्वाइन किया मतलब इन लोगों के साथ शामिल हुए. All the children want grandfather to tell them a story. सारे बच्चे क्या चाहते थे? कि ग्रैंडफादर इनको एक स्टोरी सुनाए. द कजिन्स चेंज इनटू नाइट सूट्स. अब कजिन्स ने सारे जो भाई बहन थे, चचेरे भाई बहन थे, उन सब ने नाइट सूट पहन लिया क्योंकि वो अब सोने का टाइम हो रहा था. इन बेड, बेड में देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब लोग कहाँ पर है? बेड में है ना. They pull up their quilts. Quilts को pull up किया, जो ओढ़ते हैं चादर हम लोग ना, उसको quilts कहते हैं. They pull up their quilts and wait to hear the story. और सब लोग story सुनने का wait कर रहे थे. Grandfather sits in his rocking chair and starts telling a story. ग्रैंडफादर अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठ जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं स्टोरी सुनाना. समझ में आ गया बच्चों चैप्टर? कियारास गिफ्ट. यस मैम. ओके, तो आप लोग कभी किसी अपने कजिन के लिए या फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदे हैं? बताइए. कभी नहीं खरीदा? आदित्य ने खरीदा है. आदित्य आपने क्या गिफ्ट दिया बताइए? कार. वाव, कार. चलो ठीक है, वेरी गुड. सबको गिफ्ट, किसी का भी कोई ओकेजन हो या ना हो, अगर हम खरीद सकते तो हमें दूसरों को गिफ्ट देना चाहिए. इससे सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है ना. चलो क्वेश्चन का आंसर दीजिए. Where is Kiara going with her mother? Kiara अपने मदर के साथ कहाँ जा रही है? बताइए. Market. क्या करने जा रही market. है? Market. Toy shop. जी. Why does Kiara go to the toy shop? Toy shop पर क्यों गई है Kiara? Shopping करने. To buy gifts. Daddy, what does Kiara? Yes, yes. What does Kiara buy for herself? Beautiful pink teddy bear. Correct, correct. What does Kiara buy for her cousins? पहले तो उसने हेयर क्लिप लिया, फिर बॉल ली, फिर पेन ली, है ना? रामते के लिए पेन ली थी, है ना? चलो नेक्स्ट बताओ बच्चों. Who tells the children a story? स्टोरी किसने बताई? कौन बताता है स्टोरी? ग्रैंडफादर. चलो सबको समझ में आ गया बच्चों ये चैप्टर? यस मैम. यस मैम. चलो सबको आ गया ना? आपका विभाग सबको आ गया? यस मैम. मैम आवाज कम आ रही है. हाँ तो नेटवर्क इशू होगा बेटा.
चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पेज को मार्क कर लीजिए, पेज नंबर 77 को मार्क कर लो। चलो बाय बाय बच्चों, थैंक यू। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम।